तो फ्रेंड्स आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का Y33S वर्सेस ओप्पो का A54। इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। यदि आपने इन दोनों में से कोई भी मोबाइल चला के देखना है तो आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो मेन डिटेल बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं, इनका प्राइस, डिस्प्ले, कैमरा, वेरिएंट कौन सा है, उसके बाद इसकी बैटरी क्या है, देन लास्ट में स्पीड टेस्ट, ये पूरी वीडियो में कंसेप्ट रहने वाला है। यदि आपने इनमें से कोई भी चीज़ देखनी है तो आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक वाइज। लुक दोनों की काफ़ी ओसम है, लुक वाइज आप चेक कर सकते हो। उससे पहले बता दूं कि इसको लॉन्च हुए को मात्र कुछ दिन हुए हैं, इसको लॉन्च हुए को मात्र कुछ महीने हो चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। प्राइस की बात करते हो, ये आपको 18,000 का पड़ेगा, ये आपको 16,000 का पड़ेगा। बाकी क्या ऑफर है, क्या रेट बढ़े हैं या कम हुए हैं, जो भी आप जानना चाहते हो आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो प्राइस के मामले में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसके बावजूद देखते हैं कि आपको किस में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले साइज की। मैं एक बार बता दूं कि मैं बार बार इनका पूरा नाम नहीं रखूंगा, वीवो ओप्पो, वीवो का Y33S, ओप्पो का A54, क्योंकि 2-3 महीने हो गए इसको लॉन्च हुए को मात्र कुछ दिन हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके डिस्प्ले साइज की, डिस्प्ले साइज की बात करते हो तो ये आपको मिलेगी 6.5 इंच फुल्ली HD प्लस IPS डिस्प्ले। यदि हम ओप्पो के बात करते हैं, ओप्पो के सेट की, तो इसमें भी आपको सेम डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा, 6.5 इंच फुल्ली HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यदि हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा अगर हम वीवो की बात करते हैं तो ये बटर ड्रॉप नोच में आएगा देखने के लिए। अगर इसकी बात करते हैं तो ये पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। मुझे पंच होल कैमरा ज़्यादा पसंद है अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ। अगर हम इनके कैमरों की बात करते हैं तो ये इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, इसका भी सेम 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। दोनों को एक बार चला के देख लेते हैं कि इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसमें थोड़ा आपको एकदम ये HDR मोड चल रहा है, ये चेक, ओ माई गॉड, तो ये आप देख सकते हो इसमें फोटो मोड में आ जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के कैमरे बहुत अच्छे हैं। अगर वीवो की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा आपको हल्का सा जेलो टोन दिखने को मिलेगी, इसमें आपको थोड़ा एवं जेनुइन कलर, जैसे इसमें देखो जो मैंने टी शर्ट पाई है कि तो फ्रोजी है, पर इसमें रियल कलर दिख रहा है जो मेरी हैगा एक्चुअल दिखता है, आंखों से दिखता है। इसमें थोड़ा हाईलाइट होके आ रहा है, तो देखो जिसको हाईलाइट पसंद है वो ये कैमरा फ़ोन ले लेना, जिसको हाईलाइट ज़्यादा नहीं पसंद वो ये ले लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो कैमरों के मामले में खैर दोनों बढ़िया रहते हैं। आगे चलते हैं आगे। अगर बात करते हैं हमके राइट साइड की, तो राइट में आपको पावर लॉक बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा जो कि राइट साइड में मिलता है। ओप्पो में आपको पावर लॉक वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन है ना जो, वो देखने को दूसरी साइड मिलेगा, पर वीवो का आपको इधर देखने को मिलता है। अगर लेफ्ट साइड की बात करते हो, लेफ्ट में वीवो में ओप्पो में जा चेक कर सकते हो, ओप्पो में आपको वॉल्यूम की रोकर का इधर देखने को मिलता है, साथ में ही सिम स्लॉट देखने को मिलती है। वीवो का एकदम क्लीन देखने मिलता है। और वीवो की शेप करते हैं, शेप की बात करते हैं तो जैसे ना चोर स्टेप का आ जाता है, ये थोड़ा कर्व में आ जाता है, ये चेक कर सकते हो। अगर अप की बात करते हैं तो अप इसमें आपको सिम स्लॉट ऊपर देखने को मिलेगी वीवो में, और बाकी जो ओप्पो का है वो एकदम क्लीन देखने को मिलेगा। सेकेंडरी माइक नहीं है दोनों में, मतलब कि जो साउंड को बैकग्राउंड साउंड को कैंसिल करता है वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम देखते हैं इसमें तो इसमें आप चेक कर सकते हो, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाएगा, मेन माइक देखने को मिल जाएगा, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं बैक के कैमरों में बात। बैक के कैमरों में बात करते हैं तो सबसे पहले हम सैमसंग वीवो के Y53S की बात करते हैं तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग वीवो की देखने को मिल जाती है। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं तो इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, परंतु ये चौथा कैमरा की जगह बना रखी है, जो उसमें इन्होंने सिर्फ कट लगा रखा है, AI लिखा है, तो जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप चेक कर सकते हो, इसकी फ्लैश देखने को मिलेगी और आपको जो इसके कैमरे देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। अभी तक देखा जाए तो जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो पहला डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, इसमें आपको बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, फ्रंट में दोनों के 16 मेगापिक्सल है, बस पोजीशन देखने को मिलेगी, ये पंच होल कैमरा है, ठीक है। यदि आप अगर समझ में आया कि अगर आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चते हो तो उसमें आपको क्या फ्रंट चीज देखने को मिलेगी, इसका कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के वेरिएंट की, लुक दोनों की काफ़ी ओसम है।
वेरिएंट की बात करते हैं तो आपको इसका वेरिएंट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी। इसका जो वेरिएंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी। अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर की, तो दोनों के दोनों प्रोसेसर एमटेक है, बल्कि मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे दोनों में। अगर हम बात करते हैं वीवो में, तो वीवो में आपको देखने को मिलेगा G80। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा G35। और ये इसके प्रोसेसरों में रहता है कि प्रोसेसर इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपको इसमें बैटरी देखने को मिलेगी इसमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो 5000mAh की बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको इसी में भी सेम बैटरी देखने को मिल जाती है 5000mAh की और 18W का फास्ट चार्जर। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लुक के वाइज में या प्राइस के मामले में, तो आपको डिफरेंस जहाँ पे देखने को मिलेगा वो दो जगह पे देखने को मिल जाता है। एक तो आपको रैम में देखने को मिल गया, एक आपको देखने को मिल गया कैमरों में, और तीसरा आपको देखने को मिल गया प्रोसेसर में। बल्कि तीन चीज़ों में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बाकी अदर ओवरऑल देखा जाए तो सारा इक्वली चीज़ें मिलती हैं। हाँ, 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चों के ये चीज़ मिलेगी, बाकी आपका ब्रांड कौन सा फेवरेट है ये कमेंट करके जरूर बताना। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, इनका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण हमें पता चल जाएगा कि कौन कैसा परफॉर्मेंस देता है। ओबियसली इसकी रैम ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा ही होगी इसकी। तो चलो फिलहाल चेक कर लेते हैं, सारा क्लियर कर दिया हमने बैकग्राउंड में, ठीक है। सबसे पहले हम गूगल को खोल के देखेंगे, गूगल से हमारा बहुत प्यार है। गूगल डिफरेंस देख सकते हो कितना आ गया। उसके बाद क्रोम, इसकी क्रोम तो फ्री थी, क्रोम हल्का से इसने पहले खोल दिया, उसके बाद खुल जा सिम। उसके बाद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेहनत तो बहुत लगती है। कितनी देर पहले इसने खोल दिया, उसके बाद देखते हैं क्या खोलना हमने। उसके बाद प्ले स्टोर खोलते हैं, प्ले स्टोर भी इसने काफ़ी पहले खोल दिया। यदि आप करूँ कि यदि आप देखते हो स्पीड के मामले में, ऑब्वियसली ये थोड़ा परफॉर्मेंस बेस्ट देने वाला है, क्योंकि आपको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा खर्चनी पड़ेगी, 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चना पड़ेगा। पर देखे जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अमाउंट के हिसाब से ठीक है। बाकी आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताना। और स्पीड टेस्ट के मामले में ऑब्वियसली ये आगे जाएगा, जो कि मैंने आपको हल्का फुल्का करके भी दिखा दिया है। यदि आप पबजी खोलते हो तो ये है कि ये थोड़ी देर पहले खोल देगी, ये थोड़ी देर लेट खोल जाएगी, तो उसके वजह से आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके ओवरऑल लुक के बारे में, तो मुझे ये अच्छा लगा है बैक से, ये भी अच्छा है बैक से, पर फ्रंट से मुझे ये इसकी लुक पंच होल कैमरा पसंद है। फ्रंट से खैर मोस्टली सारे एक जैसे ही होते हैं, बस ये नोच आ जाती है और पंच होल कैमरा आता है। मुझे आजकल पंच होल कैमरा पसंद लगता है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, अगर वीडियो में कुछ मिस हो गया तो कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। चलो एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इनका कंपेरिजन कर दिया, आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताना। यदि आप इन दोनों में से कोई भी चला के देखना चाहते हो, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हाँ, यदि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपने रिस्क पे, तो आप ZeroX एप्लीकेशन से कर सकते हो, जो कि यहाँ पॉपअप हो रही होगी इधर उधर। नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाओ, WRAX लिखो, WAZIR लिखोगे X तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी। देन आपको डाउनलोड करनी है, सबसे पहले आपको मेल डालना है, फिर पासवर्ड, फिर आएगा रेफर कोड, वहाँ पे अपने रेफर कोड डालना है 686YNTHQ, जो कि यहाँ इधर शो हो रहा है या इधर शो हो रहा होगा, तो वो डाल देना प्लीज़। तो उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वीडियो। इनमें से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय।